Okay, now the today lecture is about pharmacodynamics. Pharmacodynamics means what a drug do to body. Whenever a drug enter into body, what changes will take place? It can be a toxin, but now we are talking about drug nutrient interaction, so we can focus on drugs only. For example, this is this is a cell. Okay, there is a nucleus in which DNA is present, or where all the signal can come and DNA replicate and different proteins are formed. We all know. Okay, basically, whenever drug enter into a body, it start interacting to receptors. There are receptors on there are different receptors on a cell membrane. Okay, and the ligand है जब भी आता है वो ligand जो है, suppose this is the ligand. And it will attach to the receptor, okay? And then several signal produce and enter into nucleus, and that will produce the effect. In literal meaning, जब भी कभी drug जो है वो cell के अंदर enter होता है, तो जो cell के ऊपर ligand receptor present होते हैं, उनके साथ bind करता है, और फिर जो है वो series of signal जो है वो produce होते हैं, और जो ultimately जो है कोई ना कोई biological effect जो है produce होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास ड्रग है वो आके रिसेप्टर के साथ अटैच हुई है, तो उसने जाके डीएनए की रेप्लिकेशन कराई है, उसके रिटर्न में जो डीएनए है उसने बहुत डिफरेंट प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस की है थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन. ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स की. तो चार तरह के जो है रिसेप्टर्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो के प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इफेक्ट. उनमें है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है लाइगेंड गेटेड चैनल या रिसेप्टर्स, उसके बाद हमारे पास जी प्रोटीन कम्प्लेक्स रिसेप्टर, उसके अलावा हमारे पास एंजाइम लिंक रिसेप्टर, एंड लास्ट वन इज द इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसको रेज कर लें, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले हम लिगेंड गेटेड चैनल की बात करते हैं. ये इजिएस्ट वन है अंडरस्टैंड के जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये इनको हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है. तो जब इनके ये क्लोज फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव है, ठीक है, जब कभी इनके पास आके लाइगेंड जो है वो अटैच होता है, ठीक है, तो ये जो है ये जो चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, और ये अलाउ करते हैं कि जो आइंस हैं वो मूव कर सके, ठीक है. और क्या करता है लाइगेंड, लाइगेंड जब आके गेटेड चैनल के साथ अटैच करता है, तो जो लाइगेंड बाइंड टू देम और चैनल ओपन ब्रीफली, जो कि अलाउ कर देता है डिफरेंट आइंस को कि वो पास थ्रू कर सके थ्रू कन्फर्मेशनल चेंजेस. वो कोई भी सोडियम पोटासियम क्लोराइड कैल्शियम जो भी हमारे आम मिनरल्स है, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास लाइगेंड गेटेड चैनल. सेम गोज फॉर ड्रग, अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जिसने चैनल्स पे इफेक्ट करना है, तो जो ड्रग है वो जाके इन गेटेड चैनल्स पे जाके अटैच होगा, और वो क्या करेगा, वो खोल देगा उन चैनल्स को, और जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन से पास कर जाएगी, ठीक है. ये हमारे पास था इजी वन टू अंडरस्टैंड, इसको हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल. जो हमारे पास नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास, ये जो हैं इनको हम सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इन ये जो हैं हमारे पास मेम्ब्रेन में से सेवन टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये हैं हमारे पास रिसेप्टर्स, अब ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, इनके तीन यूनिट होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा, सॉरी, नेक्स्ट,
अल्फा बीटा एंड गैमा, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैच होते हैं, वेट, यहाँ पे अल्फा बीटा और जो गैमा है उसके सब यूनिट जो हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे पास अल्फा बीटा गैमा जो हैं वो इस रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, जिनको हम कंप्लीट की कहते हैं जी प्रोटीन। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो अल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी के साथ अटैच होता है, ठीक है, यहाँ पे एक जीडीपी का मॉलिक्यूल अटैच होता है। ठीक हो गया, जब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, जब इसके साथ आके कोई भी लाइगेंड बाइंड करता है, ठीक है, इन रिसेप्टर्स के साथ जब भी कोई लाइगेंड बाइंड करता है, जिसकी भी अफिनिटी रही होती है, तो जो अल्फा मॉलिक्यूल के साथ जीडीपी अटैच है उसकी अफिनिटी कम हो जाती है, और जो जीटीपी मॉलिक्यूल है उसकी अफिनिटी ज्यादा हो जाती है। तो जो है वो क्या होता है कि जो इस जीडीपी मॉलिक्यूल की अफिनिटी कम हो जाती है अल्फा सब यूनिट के साथ, और ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल है ये रिप्लेस कर देता है जीडीपी को जीटीपी के साथ, ठीक है। तो अब जीडीपी की जगह जो है वो जीटीपी मॉलिक्यूल उठाके अटैच होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो जीटीपी आके अटैच होता है ये अल्फा सब यूनिट को डिटैच कर देता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अब हमारे पास सिर्फ अल्फा सब यूनिट और जीटीपी का मॉलिक्यूल रह गया। ये क्या करता है, ये दोनों जाते हैं और डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन के साथ मिलते हैं और जो है रेगुलेट करते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। इसके थ्री सब यूनिट होते हैं अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा फॉर्म, अल्फा के साथ जो है जीडीपी अटैच होता है क्योंकि इसकी अफिनिटी ज्यादा होती है जब वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। वेन एवर कोई भी लाइगेंट आके अटैच होता है, वो ड्रग हो सकता है, कोई भी टॉक्सिन हो सकता है, वो आके अटैच होता है, तो जो जीडीपी की अफिनिटी है वो कम हो जाती है और जीटीपी की अफिनिटी ज्यादा हो जाती है। जीटीपी रिप्लेस कर देता है जीडीपी को और अल्फा यूनिट के साथ अटैच होता है। जब जीटीपी अल्फा यूनिट के साथ अटैच होता है तो वो इसको डिटैच कर देता है रेस्ट ऑफ द बीटा एंड गैमा, ठीक है। अभी जो अल्फा सब यूनिट और जीटीपी मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों जाते हैं और डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन को इंटरेक्ट करते हैं, उनको ऑल्टर करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस लाते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे पास जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स होती हैं। एक हमारे पास होती हैं जीएस, एक हमारे पास होती हैं जीआई और एक हमारे पास होती हैं जीक्यू, ठीक है। जो जीएस हैं ये इनको क्या होती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं एंजाइम को जिसे हम कहते हैं एडीनाइल साइक्लेज एंजाइम। ये इनको एक्टिवेट करती हैं, इनके इफेक्ट को इनहेंस करती हैं जी एस प्रोटीन्स, ठीक है। वो क्या करती हैं, अल्टीमेटली प्रोड्यूस करती है साइक्लिक एएमपी जो कि है हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। उसके बाद है जी आई, जी आई जो है ये इनहिबिट करती हैं एडिनाइल साइक्लेज को। आपको उनके नाम से ही पता चल रहा है जी आई है, तो आई से आप याद रखने की, ये इनहिबिट करती हैं एडिनाइल साइक्लेज को और क्या करती हैं, लोअर कर देती हैं साइक्लिक एएमपी को, ठीक हो गया। जीएस जो है वो इनहेंस कर रही है, जीआई जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जो लास्ट वन है जीक्यू कपल रिसेप्टर या जीक्यू प्रोटीन, ये एक्टिवेट करती हैं उन एंजाइम को जिन्हें हम कहते हैं फॉस्फोराइलेज सी, फॉस्फोलाइपेजिस सी। ये क्या करती है, ये भी इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करती हैं दो तरह के, एक को हम कहते हैं डीएजी और एक को हम कहते हैं आईपी3। जो डीएजी हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास, एक्टिवेट करते हैं काइनेसिस प्रोटीन को, और आईपी3 क्या करती है, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम को रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। अब तीन तरह के हमारे पास जी3 प्रोटीन्स थी, जीएस, जीआई, जीक्यू। जीएस जो थी वो एडिनल साइक्लेज को प्रोड्यूस करती हैं जो कि साइक्लिक एएमपी इंक्रीज करता है सेकेंडरी मैसेंजर को। जीआई जो है वो इसको इनहिबिट करता है, उसका रिवर्स एक्शन है फ्रॉम जीएस। जो जीक्यू है वो फॉस्फोलाइपेसिस सी प्रोड्यूस करती है जो फर्दर दो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करती हैं डीएजी और आईपी3। डीएजी क्या करती हैं, ये एक्टिवेट करती हैं काइनेसिस प्रोटीन को, और आईपी3 क्या करती हैं, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाती हैं।
इनकी एबिलिटी होती है कि ये एम्पलीफाई कर सकती हैं सिग्नल को जो कि ये रिसीव करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टिमुलेट करें जी प्रोटीन रिसेप्टर को तो ये एक्टिवेट कर सकता है मोर देन वन एडिनल साइक्लेज को और प्रोड्यूस कर सकता है मैनी साइक्लिक एएमपी जो कि किसी भी रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे पास, उनको हम जो हमारे पास नेक्स्ट आ गई वो है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये भी जी प्रोटीन की तरह ही एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और जब कभी इनके साथ लाइगेंट आके अटैच होता है या कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी ड्रग्स हो सकती हैं, तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। और जो मोस्ट एंजाइम, मैं एक मिनट ड्राई कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हैं मेम्ब्रेन और उसके ऊपर हमारे पास जो हैं वो अटैच होते हैं उसके ऊपर हमारे पास अटैच होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा, जो ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हैं ये होते हैं टायरोसिन काइनेज टाइप। ठीक है, इनके साथ अटैच होते हैं टायरोसिन काइनेज, सेम इसके ऊपर भी। ठीक है, टायरोसिन काइनेज, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जब इनके साथ ये डिस्प्ले करते हैं काइनेज एक्टिविटी को इन्वॉल्विंग टायरोसिन जो कि है हमारे पास एक अमाइनो एसिड, जब कभी इनके साथ दो लाइगेंड आके अटैच होते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर, इसके ऊपर आके अटैच हो गया हमारे पास लाइगेंड, ये दो लाइगेंड आके इनके ऊपर अटैच हो गए। ठीक है, इट कॉज कन्फर्मेशनल चेंजेस दैट रिजल्ट इन एग्रीगेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, और जब डाइमर इन दोनों रिसेप्टर की जो है वो एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और एक डाइमर प्रोड्यूस होता है, जब कभी वो डाइमर प्रोड्यूस होता है तो जो टायरोसिन रीजन है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है एडीपी में और जो फॉस्फेट रिलीज होता है वो जाके अटैच हो जाता है उस टायरोसिन के साथ। ठीक है, और डिफरेंट इनएक्टिव इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो है वो आती हैं और वो आके अटैच हो जाती हैं टायरोसिन के साथ और उसके बाद क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं और प्रोटीन एक्टिवेटेड प्रोटीन कैस्केड जो है वो सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ क्या होता है, जो एंजाइम लिंक्ड होता है, एंजाइम लिंक्ड जो होते हैं वो भी जी प्रोटीन की तरह मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके साथ जो है वो टायरोसिन काइनेज जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, टायरोसिन काइनेज जो है वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जब कभी इनके साथ लाइगेंड आके अटैच होता है तो वन ऑफ दोनों के साथ या वन ऑफ के दोनों के साथ, तो ये दोनों जो है वो आपस में मिलके एग्रीगेशन स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेशन के साथ बनने के बाद इनकी डाइमराइजेशन होती है, डाइमर प्रोड्यूस होते हैं और जो एटीपी है वो अपना एक फॉस्फेट जो है वो टायरोसिन को दे देता है। ठीक है, अब टायरोसिन काइनेज का मतलब समझ आया कि काइनेज एंजाइम वहां क्या कर रहा है, काइनेज वहां एंजाइम जो है वो एटीपी की ब्रेक डाउन करके फॉस्फेट जो है वो टायरोसिन को दे रहा है, तो जब वो टायरोसिन आके उस फॉस्फेट आके टायरोसिन के साथ अटैच होता है तो जो जितनी भी इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है इनएक्टिव फॉर्म में वो जाके अटैच होना शुरू हो जाती है उस टायरोसिन के साथ जो कि फॉस्फोरिलेटेड है। उसके बाद डिफरेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं और जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होती हैं और जो है वो हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंजाइम लिंक्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट वन इज इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये सिर्फ ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द सेल। ठीक है, बाकी सारे आपने देखा था कि मेम्ब्रेन के ऊपर थे, लेकिन ये वाला इकलौता इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स रिसेप्टर है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। जब कभी लाइगेंड को आना है तो लाइगेंड को पहले अटैच होना पड़ता है। अब जो भी लाइगेंड आएगा
उसको आके पहले मेम्ब्रेन को पास करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वो अंदर आएगा सेल के, और वहां पे आके वो अटैच होगा रिसेप्टर के साथ, जो रिसेप्टर और लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जाएगा फिर न्यूक्लियस के अंदर, जो कि बाइंड करेगा डीएनए के साथ, जीन एक्सप्रेशन करेगा और सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन करेगा, ठीक है। ये आ गया लाइगेंड, ये आ गया हमारे पास रिसेप्टर जो उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आया है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये दोनों मिलके जाएंगे, फिर जाएंगे न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस के पास जाके ये डीएनए के जो है वो एक्सप्रेशन कराएंगे और वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स। इसके अलावा लाइफ साइकिल होते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स के। अगर हम बात करें कि जो डीएनए है वो इटसेल्फ सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन को, तो जब रिसेप्टर आपस में असेंबल होते हैं तो जो रिसेप्टर जो हैं वो बाइंड कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ और सिग्नल रिसीव करते हैं। और अगर मैं कहूँ आपको कि सेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन जो है वो रिसीव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पोटेंशियली डैमेज कर सकता है सेल को। और अगर सपोज अगर आप हमारे पास जो हैं वो रिसेप्टर जो हैं बहुत ज़्यादा सिग्नल प्रोड्यूस होने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा लाइगेंट आ गया है रिसेप्टर के साथ अटैच होने पर, तो क्या करता है सेल में एबिलिटी होती है कि वो रिसेप्टर को जो है वो मेम्ब्रेन से हटा देता है और जो है वो अंदर ले लेता है सेल के, ठीक है। तो जो नो एक्सप्रेशन होता है रिसेप्टर्स का और जो सेंसिटिविटी है सिग्नल के थ्रू डिक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सेल, ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास डीएनए, ये डीएनए है सपोज, इसकी एबिलिटी है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है हमारे पास रिसेप्टर्स को। तो जब ये रिसेप्टर प्रोड्यूस करता है तो वो रिसेप्टर्स आना शुरू हो जाते हैं फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिसेप्टर्स। अब जब कभी लाइगेंड जो है सिग्नल आप सपोज करें बहुत ज्यादा सिग्नल जो है वो आना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा तादाद में आपने जो ड्रग है वो प्रोड्यूस कर दिया, अब ड्रग जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो ऑब्वियसली रिसेप्टर्स के ऊपर जाके वो सेल को डैमेज कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो हमारे पास सेल्स की ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, वो डाउन रेगुलेशन स्टार्ट कर देता है रिसेप्टर्स की, और जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब उनकी सेंसिटिविटी नहीं रही सिग्नल मॉलिक्यूल्स की टुवर्ड्स रिसेप्टर्स, ठीक है, और रिसेप्टर हमारे पास हो गए ब्लॉक और उनकी सिग्नल जो है वो वीक हो गए, तो हमारे पास जो है वो सेल बच गया। अब अगर ऑन द अदर हैंड हम कहें कि जो रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो गए हैं और जो सिग्नल है वो बहुत वीक है, मतलब अगर हमने किसी भी ड्रग को दिया है, ठीक है, और हम थेरापूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन हमारे रिसेप्टर ब्लॉक हो गए हैं और सिग्नल नहीं मिल रहा हमारी बॉडी को, वो ड्रग नहीं मिल रही, तो इस तरह सेल की एबिलिटी होती है कि वो अप रेगुलेट कर सकते हैं रिसेप्टर को। तो बहुत ज्यादा सेल जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं और जो सेंसिटिविटी है सिग्नल मॉलिक्यूल की तरफ वो इनहेंस हो जाती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको एक अब ये मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। सपोज ये है हमारे पास एक ग्राफ जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास ड्रग है ऑन एक्स एक्सिस, ड्रग है ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस हमारे पास है मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 100% इफेक्ट। अच्छा, अगर सिग्नल मॉलिक्यूल हो सम काइंड ऑफ ड्रग और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हम इंक्रीज करें,
तो जो फॉर्मोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा अल्टिल के वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करे। जब सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाएंगे वो उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, और ड्रग का जो फॉर्मोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो वी कैन ड्रॉ EC50 ऑफ अ ड्रग कंसेंट्रेशन। EC50 क्या होती है? EC50 होती है कि ड्रग की वो कंसेंट्रेशन जो कि 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ये हो गई हमारे पास ड्रग ए, ठीक है। अब EC50 क्या होती है? EC50 होती है कि ये हो गई हमारे पास EC50, इसे हम कहते हैं EC50। EC50 क्यों कहते हैं? कि इसका मतलब है कि हमने प्रोड्यूस किया है मैक्सिमम 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट, जैसे आप कह सकते हैं हाफ हाफ इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं EC50 हमें बताता है कि ड्रग कितनी पोटेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और ड्रग ड्रॉ करते हैं जिसे हम कह रहे हैं कि वो है ड्रग बी, ठीक है। अब मैं आपको पोटेंसी और एफिकेसी की बात समझाती हूँ। अब आप सपोज करो हमारे पास दो ड्रग हैं। अब इसमें आप देखो कि ड्रग बी जो ड्रग बी की EC50 है वो यहाँ आ रही है, सॉरी यहाँ आ रही है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो ड्रग ए है उसकी EC50 कम है और ड्रग बी जो है उसकी EC50 ज्यादा है, मतलब उसको EC50 तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा ड्रग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसकी EC50 कम होती है वो ड्रग ज्यादा पोटेंट होती है, ठीक है, कि मतलब वो कम कंसेंट्रेशन पे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, समझ आई है। अच्छा, नेक्स्ट इज अगर के जो ड्रग बी है वो सेम लेवल ऑफ फॉर्मोलॉजिकल इफेक्ट अचीव नहीं कर रही एज ड्रग ए, तो ये उसकी एफिकेसी की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल ये है उसकी एफिकेसी, ठीक है, एफिकेसी हम कैसे करते हैं डिटरमिन कि अगर जो मैक्सिमम एफिकेसी है किसी भी ड्रग की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ई मैक्स से। ई मैक्स ये है ड्रग ए की ई मैक्स, ये है ड्रग बी की ई मैक्स, ठीक है। और इस पे हम अज्यूम करते हैं कि ई इस टाइम सारे रिसेप्टर जो हैं वो ऑक्यूपाई हो गए हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से भी आपको श्योर नजर आ रहा है कि जो ड्रग ए है उसकी एफिकेसी और उसकी पोटेंसी दोनों ड्रग बी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी EC50 कम है एक तो ड्रग बी से, दूसरा उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है कि वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है कि उसके सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हैं, ठीक है। तो ड्रग ए मोर पोटेंट एंड मोर एफिकेस। नेक्स्ट होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है कि किसी भी ड्रग की एबिलिटी के वो कितना मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। एक नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो हम डिटरमिन करते हैं किसी भी ड्रग का के उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं TI से। इसको हम डिटरमिन करते हैं पहले पहले स्टडीज जो थी उनको LD50 डिवाइडेड बाय ED50, ठीक है। LD50 क्या होती है? लीथल डोज इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, और ED होता है इफेक्टिव डोज इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। वो क्या होता था कि वो डाटा कलेक्ट करते थे पॉपुलेशन में से जिसमें 50% होता था लीथल डोज का और 50% होता था इफेक्टिव डोज का, और इन दोनों की रेशियो को हम कहते थे थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स। लेकिन अब लीथल डोज डिटरमिन नहीं करते क्योंकि हर वाइडली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कॉज इंटरपर्सनल वेरिएशन, और अब एनिमल स्टडी में लीथल डोज जो है वो डिटरमिन नहीं करते। अब लीथल डोज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है टॉक्सिक डोज से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो टॉक्सिक डोज डिटरमिन करते हैं और लीथल डोज डिटरमिन करते हैं 50% ऑफ पॉपुलेशन में, और उनके दरमियान जितनी भी डोज आ रही होती है उसको वो कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये मैं आपको अब एक ग्राफ से शो करती हूँ कैसे। सपोज हमारे पास, ठीक है,
ये हो गया हमारे पास एक ग्राफ, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन में डिटरमिन किया इफेक्टिव डोज, ये हो गया उसका इफेक्टिव डोज जिसे हम कह रहे हैं ई ई डी 50, ठीक है। और उसी पॉपुलेशन में उन्होंने डिटरमिन किया TD50 जिसे हम कह रहे हैं टॉक्सिक डोज, ठीक है। ये हो गया टॉक्सिक डोज, ये हो गया इफेक्टिव डोज TD50 और ED50 और TD50। अब उन दोनों के दरमियान जो ये रेंज है, इस रेंज को हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। इस ED50 और TD50 के दरमियान जितने ये डोज आ रही है, ये नीचे एक्स एक्सिस पे डोज है, ठीक है, और ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक हो गया। मैं लिख देती हूँ, ये है हमारे पास डोज और ये है हमारे पास परसेंटेज पॉपुलेशन, ठीक है। उन्होंने पॉपुलेशन में ED50 इफेक्टिव डोज डिटरमिन किया, TD50 टॉक्सिक डोज डिटरमिन किया, और ये जो इन दोनों के दरमियान ये सारी डोजेज हैं, इनको उन्होंने कहा थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब है कि जो इफेक्टिव डोजेज हैं, फ्रॉम इफेक्टिव डोज से लेके, अब ED50 से पीछे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा ड्रग का, और TD से आगे चले जाओगे, इस तरह इससे आगे चले जाओगे तो टॉक्सिक रिस्पॉन्स आएगा, और इससे पीछे चले जाओगे तो नो इफेक्ट आएगा। ये एक रेंज है जिसे हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं, जहाँ पे ड्रग जो है वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये हो गया हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब आज के लिए इतना ही है, लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, और कुछ समझना आए तो मुझे क्वेश्चन करना, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है इसका।